खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकर नामा का एक मकसद है कि अपने अपने क्षेत्र में जो साथी अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वैचारिकी पैदा कर रहे हैं, उसे आपको इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ अंबेडकर नामा पर हैं बहुजन चिंतक, विचारक, लेखक, संपादक और डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं एचएल दुसाद साहब। लखनऊ में हैं अभी और आज ही इन्होंने एक लंबा लेख लिखा है चुनावी घोषणा पत्र को लेकर। पैनी नजर इनकी बनी रहती है राजनीति पर, समाज पर, और लगातार अपने बेबाक अंदाज में अपने लेख प्रकाशित करते रहते हैं। दर्जनों किताबें इन्होंने प्रकाशित किया है, लिखा है, संपादित किया है और लगातार रोज इनके लेख किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। आज इस मुलाकात में दुसाद साहब से जानना चाहेंगे आखिर क्या हो रहा है। दुसाद प्रकाशन भी चलाते हैं, अपना प्रकाशन कंपनी भी इन्होंने प्रेस खोला हुआ। आज जानेंगे कि यूपी में क्या हो रहा है घोषणा लेकर। साहब, आपका स्वागत है अंबेडकर नामा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़े जो है मेरी भी तमन्ना थी कि आपके साथ कभी मैं आऊं। भारी खुशी की बात है कि दूसरी बार आपके समक्ष जो आने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानता हूं। जी सर, पहली बार आपके घर गया था, आप आए नहीं? जी जी, हाँ, जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पर आपने हमसे वार्तालाप किया था कुछ दिन पहले। चलिए, घोषणा पत्र को लेकर आपने कई सवाल उठाए हैं और लगातार राजनीतिक दलों पर सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी, तमाम ये डाइवर्सिटी के सवाल पर आप बोलते रहते हैं। आपके लिखने का, बोलने का प्रभाव कुछ दिख रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर आता है। साहब बताएं, सवाल रिपीट करें सर। आपके लेखने, लिखने का, बोलने का, लगातार आप डाइवर्सिटी के सवाल को उठाते रहते हैं, भागीदारी, हिस्सेदारी, सत्ता के स्रोतों का समुचित बंटवारा, ये सब सवाल उठाते रहते हैं। आपके लिखने बोलने का इम्पैक्ट कुछ राजनीति पर, सुनने समझने वालों पर पड़ रहा है? क्या क्या हो रहा है यूपी में? हाँ सर, हम लोग वर्षों से मिल करके जो है, आप भी हमारे साथ हैं, हम लोग मिलजुल करके जो है लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे कि भारत में जो भीषण रूप से आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी फैली है इसका खात्मा हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सौंपने के पूर्व राष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 से हम एक एडवर्स लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी समानता, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी भीषण गैर बराबरी। तो मेरे ख्याल से आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जो ह्यूमन रेस की बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये भारत की भी सबसे बड़ी समस्या रही। दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को देश के हुक्मरानों को जो चेतावनी दिया उसकी ऑलमोस्ट ये लोग इग्नोर करते रहे, इसकी अनदेखी करते रहे। अनदेखी का नतीजा है सर कि भारत में आज की तारीख में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की असमानता का कोई और छोर ही नहीं है। पिछले दिनों सर दो रिपोर्टें आई, एक विश्व आर्थिक असमानता रिपोर्ट आई थी 2021 में, उस रिपोर्ट में जो है सर स्थिति जो बड़ी सोचनीय बतलाई गई थी, बहुत ही सोचनीय। उसके बाद से अभी इसी 17 जनवरी को ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में तो देख करके जो है दहशत हो जाती है कि भारत के हुक्मरानों ने क्या कर डाला, डॉक्टर अंबेडकर कैसा भारत चाहते थे और कैसा भारत इन्होंने बना दिया। आज की तारीख में टॉप की जो 10% आबादी है सर, उसके हाथ में ऑलमोस्ट जो है 45% से ज्यादा वेल्थ चला गया है। वहीं बिलो जो 50% आबादी है वो जो है 6% वेल्थ पर जो है सरवाइव करने के लिए मजबूर है। इतनी भीषण गैर बराबरी दुनिया में और कहीं नहीं है।
कुछ दिन पहले एक ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट आई थी सर, पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, असमानता हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में पता चलता है कि भारत अपने प्रतिवेशी मुल्कों से बहुत पीछे चला गया है, जिन्हें हम बहुत ही पिछड़ा हुआ कंट्री मानते थे। इवन जो है म्यांमार हुआ, भूटान हुआ, नेपाल इत्यादि, इनको हम बहुत पिछड़ा मानते थे, कहीं गिनती में नहीं रखते थे। लैंगिक समानता के मामले में वो सब हमसे आगे निकल गए। 156 देशों में भारत का सिचुएशन जो था 140वें पायदान पर था। तो ये इस बात का संकेतक है सर कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ऐसा इसलिए है सर कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस मुद्दे को जो है हैंडल करने में रुचि नहीं लिया, आजाद भारत के शासकों ने रुचि नहीं लिया। और मैं गौर कर रहा हूं सर कि ये जो उत्तर प्रदेश और मान पूरे भारत में 5 राज्यों में जो आगामी दिनों चुनाव होने जा रहा है, इसमें भी जो है ये मुद्दा जो है कहीं से एड्रेस नहीं हो रहा है। जबकि लैंगिक असमानता की रिपोर्ट को देखते हुए और इसी 17 जनवरी को जो ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आई है उसे देखते हुए जो है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे का मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियों में आना चाहिए था। यदि पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए सीरियस होती तो क्या करती, तब सर उन्हें करना पड़ता है, चूंकि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की उत्पत्ति लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य शक्ति के स्रोतों के असमान बंटवारे से होती है। सोर्सेज ऑफ पावर के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड देयर वुमेन्स के बीच जो होता है तब जाकर समस्या की सृष्टि होती है। समाधान क्या है? यदि शक्ति के स्रोतों के असमान बंटवारे से ही जो है मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या की उत्पत्ति होती है जो भारत में बहुत ही भीषणतम रूप में व्याप्त है, तो शासकों को चाहिए था कि जितने भी शक्ति के स्रोत हैं उनका बंटवारा जो है वेरियस सोशल ग्रुप्स के बीच करने का एजेंडा जो है सामने लाते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर, ये जो 222 का जो चुनाव है, खुद अमित शाह ने या दूसरे तमाम लोग कह रहे हैं सर कि ऐतिहासिक चुनाव है, भारत का भविष्य इस चुनाव के ऊपर निर्भर करता है, और इस चुनाव में जो है जो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरी तरीके से लगभग कहीं से जो है अदृश्य दिखाई पड़ रहा है सर, और इसका अपवाद जो है आपका यूपी भी नहीं है, ये स्थिति है सर। घोषणा पत्र आ गया सब पार्टी का, घोषणा पत्र पार्टी सबका आ गया है। हाँ, घोषणा पत्र सर ये कांग्रेस पार्टी जारी हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो है महिलाओं को प्रायोरिटी दी है, 40% जो है वो क्या नाम है टिकट बंटवारे में 40% नौकरियों के बंटवारे में जो महिलाओं को देना चाहती हैं, उसके बाद से महिला केंद्रित जो है उसके एजेंडे में और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं सर। अब जहाँ तक ये है भारत उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख 3 पार्टियां जो सत्ता की दावेदार हैं उनमें बीएसपी तो जो है कभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, इस बार भी वो नहीं करने जा रही है। बाकी बचती है 2 पार्टियां भाजपा और सपा, इनका घोषणा पत्र सर बहुत जल्दी ही जो है आने वाला है। इनके घोषणा पत्र में लेकिन क्या बातें शामिल हो सकती हैं, कुछ कुछ जो है राजनीतिक विश्लेषक उसकी जो है चर्चा करने लगे हैं, विशेष करके जो है शायद जो है कल तक भाजपा का घोषणा पत्र सामने आने के लोग जो है कयास लगा रहे हैं, लेकिन कल आए या परसों आए भाजपा का घोषणा पत्र उसमें लोगों की खास दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें घोषणा पत्र में करे लेकिन जो है उसका मूल मुद्दा वही रहेगा, हिंदू धर्म संस्कृति का जयगान और मुस्लिम विद्वेश का प्रसार, अर्थात ये जो है ध्रुवीकरण की राजनीति पर ही निर्भर रहेगी। और पिछले जो है 1-1.5 महीने से देखा जा रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर पीक पर पहुंच चुकी है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ आपका जो पुनर्निर्माण हुआ है काशी विश्वनाथ में उसका जो उद्घाटन किया, उसी दिन से जो है आपके वर्तमान चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो सत्ताधारी दल है उसके तरफ से जो है नफरत की जो राजनीति है ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको एक्सट्रीम पर पहुंचाने की एक कोशिश चल रही है। इस बीच यदि हम 1 महीना से जो मुद्दे उठ रहे हैं सर यदि उस पर गौर करें तो हम पाएंगे कि जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा उसके तरफ से मुख्यतः क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आप उनके बयानों में भी देख सकते हैं
आदित्य योगी आदित्यनाथ के बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार दौरा किया है, अमित शाह का भी दौरा हो चुका है, राजनाथ सिंह जी तो यूपी से हैं ही, वो भी जो एकाधिक बार यहाँ पर आए। इन सबके बयानों का यदि आप निचोड़ निकालेंगे सर, तो आप पाएंगे कि लगभग एक महीना पहले योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि ये चुनाव जो है 80-20 हिंदू बनाम मुसलमान का होने जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीना पहले जो इन्होंने ये जो घोषणा किया कि ये चुनाव जो है 80-20 अर्थात हिंदू बनाम मुस्लिम का है, भाजपा की जितनी भी नेता हैं, जात पात के जितने भी जो है आपके राज्य स्तर से लेकर के लोकल स्तर के नेता हैं, प्राय सभी का जो है चुनाव प्रचार जो 80-20 के मुद्दे पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त जो इनके जो बौद्धिक सिद्धांतकार हैं, इनके पक्ष में जो कलम चलाने वाले हैं, उनके अगर आप लेखों देखें जो मीडिया में बहस हो रही है सर, उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुद्दा क्या है भाजपा की ओर से, हिंदू बनाम मुस्लिम, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद, अयोध्या के बाद मथुरा और वृंदावन में भव्य मंदिर निर्माण करवाना है, गो हत्या, मतांतरण, लव जिहाद, जनसंख्या के असंतुलन, जो मुद्दे सर जो है दिखाई पड़ रहे हैं, वो मुद्दे क्या है, सारे के सारे मुद्दे जो है 80-20 से केंद्रित है, अर्थात जो है ध्रुवीकरण पर केंद्रित है। इसलिए भाजपा कोई भी जो है अपनी बात अपने घोषणा पत्र में कहे, उसके प्रति लोगों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी बात करेगी अंततः घुमा फिरा कर उसको ध्रुवीकरण की राजनीति पर केंद्रित हो रहा है। अब आने वाले दिनों में सर जो है बच जाती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हर चुनाव में अपना घोषणा पत्र ये करती है, जारी करती है, और जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, लगता है कि एक दो दिन के अंदर इनका घोषणा पत्र सामने आ जाएगा। अब सपा के घोषणा पत्र में क्या हो सकता है सर, इस विषय में जो है हाल के दिनों में कुछ जो ये है अखिलेश यादव के जो बयान आए हैं, उसके पहले जो है इसी 29-28 तारीख को उनकी तरफ से एक 10 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया गया था। इन संकल्प पत्रों पर अगर गौर करें तो पता चल जाएगा कि भाजपा सपा का जो घोषणा पत्र दो एक दिन के अंदर आने वाला है उसका कंटेंट क्या हो सकता है, किन किन मुद्दों को जो है ये पार्टी शामिल कर सकती है। तो पिछले जो है उनके जो संकल्प पत्र में जो आया है जो बात, उसी आधार पर एक संभावना है। अखिलेश यादव जो है लंबे समय से तमिलनाडु के तर्ज पर जो है, जैसे वहां पर अम्मा कंटीन बड़ा पॉपुलर हुआ था, कुछ वैसा ही जो यहाँ पर समाजवादी कंटीन की है जो बात किए जा रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि समाजवादी कंटीन भी जो है सपा के घोषणा पत्र में स्थान पा सकता है। पूरे यूपी की जितनी भी पार्टियां हैं सभी जो है फ्री बिजली देने में होड़ लगा रही है, तो सपा की तरफ से भी 300 यूनिट जो है फ्री बिजली देने की बात कही गई है। तो जाहिर है कि जो है हमें मान के चलना चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात जो है जरूर आएगी। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ मीटिंगों में अखिलेश यादव ने एक बात बड़ी शिद्दत के साथ कही है कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो समाजवादी किराना स्टोर शुरू करेंगे, ताकि लोगों को जो है सस्ता राशन सुलभ कराया जा सके। तो समाजवादी किराना स्टोर जो है आप मान के चलिए कि इनके घोषणा पत्र में आ सकता है। कई मिटकों में जो है हम लोगों ने ये कि अखबारों में देखा है, चैनलों पर तो उतनी चर्चा में नहीं सुना, सपा की तरफ से जो है आईटी सेक्टर में 22 लाख युवकों को रोजगार देने की बातें हो रही है। तो मान के चलिए कि जो है 22 लाख जो है बेरोजगारों का रोजगार देने की बात भी जो है इसके मैनिफेस्टो में शामिल हो सकती है। सपा बरसों से जो है वृद्धा पेंशन को बड़ी अहमियत देती रही अपने घोषणा पत्र में, इस बार जो है कुछ बढ़े हुए मात्रा में वृद्धा पेंशन की घोषणा उसके मैनिफेस्टो में आ सकती है। बेरोजगारी भत्ता जो है सपा हमेशा जो है एक तरीके से देते भी रही है और इसकी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही है, उम्मीद करना चाहिए इस बार के घोषणा पत्र में भी जो है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन करके आ सकता है। इसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से सर अखिलेश यादव के पिछले कार्यकाल में छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा हुई थी और ये योजना जो है काफी पॉपुलर हुई थी। जिस तरीके से बिहार में साइकिल लड़कियों को साइकिल देने की योजना कामयाब रही, कुछ उसी तरीके का इम्पैक्ट यूपी में लैपटॉप देने के हुआ।
तो ढेरों पार्टियां जो है लैपटॉप देने की अपने अपने ओर से घोषणा कर रही है, तो उम्मीद करते हैं कि सपा के घोषणा पत्र में ये बात भी आएगी कि सत्ता में आने पर जो है हम छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे। इसके अतिरिक्त सपा किसानों के मुद्दों के लिए करके काफी संवेदनशील रही है, एक तरीके से कहिए तो इसके साथ किसान बहुत मजबूती के साथ लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, तो उम्मीद किया जा सकता है कि हाल के दिनों में जो किसान आंदोलन संगठित हुआ उसके मद्देनजर जो है ये गन्ना का भुगतान जो है एक बड़ा मुद्दा बना। तो राजनीतिक विश्लेषक ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद जो है आपका सपा के घोषणा पत्र में 15 दिनों के अंदर गन्ना का भुगतान का एजेंडा शामिल हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश सर एक बात से बहुत ही परेशान है, मैंने खुद गांव में जाकर के इस चीज को देखा है, जोगी राज में जिस तरीके से जो है गाय माता वगैरह को अहमियत दी जा रही है, तो आवारा पशुओं का आतंक जो है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या बन गई है। आवारा पशुओं से उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरीके से टेररिस्ट है, आतंकित है, शायद पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा। बेहिसाब मात्रा में जो है फसलों का नुकसान इनके वजह से हो रहा है, तो कुछ इनके उसमें संकल्प पत्र में भी आया है 10 सूत्री, और पॉलिटिकल जो ये है जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए जो है बाड़ा बंदी बाउंड्री इत्यादि लगाने की घोषणा जो है सपा के घोषणा पत्र में आ सकती है। तो ये सब जो है सर अभी जो का जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है पिछले 1-1.5 महीने का, उसके आधार पर तो मोटा मोटी ये यही मैंने घोषणा पत्र में शामिल होने के आसार दिख रहे हैं सर। क्या सामाजिक न्याय पे रिजर्वेशन पे प्रमोशन में रिजर्वेशन पे बातचीत है, संभावना है? सर आपने एक बड़ा अच्छा सवाल ये किया उठाया है, और आपने जो शुरुआती सवाल किया उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा सर कि आजाद भारत के सर में सबसे बड़ी जो ट्रेजिडी ये हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे जो है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा, तो उनकी प्रत्याशा थी कि आजाद भारत की सरकारें जो है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों के स्त्री और पुरुषों के मध्य जो सोर्सेज ऑफ पावर है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, उनका बंटवारा करेगी, ये उम्मीद लोग लगाए हुए थे। लेकिन जो है ये बात जो है आगे नहीं बढ़ी। प्रवर्ती काल में नई सदी में जो है मंडल की हवा से कुछ पार्टियां जो है कुछ नए क्षेत्रों में रिजर्वेशन वगैरह देने की बात करने लगी। रिजर्वेशन क्या है सर कि जो मान शक्ति के स्रोतों से जो एक्सक्लूड तबका है, अर्थात शक्ति के स्रोतों से बहिष्कार ही एक्सक्लूशन ही असल में सामाजिक अन्याय है, और इसी सामाजिक अन्याय के खात्मे के लिए जब हम सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्सेज ऑफ पावर से एक्सक्लूडेड तबका है आप उसको जो है इंक्लूड करेंगे, उनको शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाएंगे। तो शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाना है सर दरअसल में ये सामाजिक न्याय है, और नई सदी में जो है ये सामाजिक न्यायवादी पार्टियों ने इस मुद्दे को काफी शिद्दत के साथ उठाया। लेकिन 2005 के बाद हम देखते हैं कि जो है ये आपका 2004 के लोकसभा चुनाव से ही जो है सामाजिक न्यायवादी पार्टियों की तरफ से धीरे धीरे जो है कुछ एक दूरी बढ़ने लगी, ये लोगों को जो है विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिले, ये बातें जो है पॉलिटिकल पार्टियां उठाना बंद कर दी। जबकि नए साल में वंचित वर्गों की तरफ से आप देखेंगे कि एक ट्रेंड रहा सर, जिसकी शुरुआत वहां से होती है आपका भोपाल कॉन्फ्रेंस से, जहां तक मेरा धारणा है कि आप भोपाल कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए थे 12 और 13 जनवरी 2000 को, जहां से एक दलित एंगल से मुद्दा उठा था कि नए मिलेनियम में जो है वो जो आपका नियो इकोनॉमी पॉलिसी है, जो नव उदारवादी अर्थनीति है, या जिस तरीके से कंप्यूटराइज हो रहा है, आने वाले दिनों में जो है सरकारी नौकरियां खत्म भी हो सकती है और शासक वर्ग जो है जानबूझकर उसको खत्म भी कर सकता है, तो ऐसे में वंचित वर्ग तभी सर्वाइव कर सकता है जब नौकरियों के अतिरिक्त बाकी क्षेत्रों में उसको शेयर मिले। उसी तर्ज पर जो है वो भोपाल घोषणा पत्र के पृष्ठ में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी
डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद, उन्होंने कहा था कि थिंक बियॉन्ड रिजर्वेशन। तो 2002 के बाद से जो है, जो बहुजन का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जो है भविष्य में नौकरियों की स्थिति को देखते हुए सरकारी और निजी क्षेत्र के नौकरियों से आगे बढ़ करके जो है आपका सप्लाई में, डीलरशिप में और दूसरे जो शक्ति के स्रोत हैं उसमें हिस्सेदारी की बात उठाने लगा। और इसका एक असर हुआ सर, भोपाल कॉन्फ्रेंस के बाद से आप जैसे लोगों ने मिलकर के इस मुद्दे को जो हवा दिया कि थिंक बिहाइंड रिजर्वेशन, कि नौकरियों से आगे बढ़ के बाकी क्षेत्रों में जो है हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तो उसका डे बाई डे सर असर ये होता गया है कि जनता में विशेष करके जो जागरूक बहुजन है उनमें संख्या अनुपात में भागीदारी की एक प्रबल चाह जो है पैदा हुई है। लेकिन उल्टा ही हुआ कि 2005 के बाद से जो है दलित पिछड़ों की जो पार्टियां हैं ये धीरे धीरे जो है अपने एजेंडे में इसको इग्नोर करना शुरू की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो एक अच्छी बात हुई है, बहुत ही अच्छी बात, जिसे मैं तो अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि ये युगांतकारी घटना है। होता है क्या कि 11 जनवरी को जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ करके सपा में शामिल होते हैं तब वो जो है जोगी जी का जो स्लोगन था, उनका जो नारा था, ये चुनाव 80-20 का है, तो उसकी काट के लिए उन्होंने कहा था कि ये चुनाव 80-20 का हो सकता है उनके नजरिए से, लेकिन हमारे नजरिए से ये चुनाव जो है 85-15 का है और 15 में भी भागीदारी है, अर्थात जो 15% सुविधा होगी वर्ग है उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, वंचितों के प्रति जो है करुणाशील है, देश की एकता और अखंडता को देखते हुए चाहते हैं कि शक्ति के स्रोतों में वंचित वर्गों को हिस्सेदारी मिले। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि चुनाव जो है 85-15 ही नहीं, एक तरीके से 90-10 जो है 10 का रह गया है। 10% वो तबका जिसका शक्ति के स्रोतों पर पूरी तरीके से कब्जा है, जो नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत में जो है जो वंचित वर्ग है उसको हिस्सेदारी मिले। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये मुद्दा उठाया सर, तो एक तरीके से समझिए कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने आज के आर्टिकल में भी इस बात को याद दिलाने की कोशिश किया कि जो 85-15 का मुद्दा उठाया तो वो आवाज जो है सिर्फ जो है यूपी तक सीमित नहीं रही, यूपी को पार करके पूरे भारत में सर जो है संदेश गया 85-15 का। लोग बरसों से सुनने के लिए तरस रहे थे और तरसने का कारण यही कि जैसे मैं बताया सर कि नई सदी में अधिकांश जो है सामाजिक न्यायवादी पार्टियां जो है इस मुद्दे से, मैंने प्रतिनिधित्व से, संख्या अनुपात में, तमाम क्षेत्रों में भागीदारी के मुद्दे से धीरे धीरे जो है वो दूर जाने लगी, और जाने का पीछे कारण यही था सवर्ण परस्ती। इन पार्टियों के सुप्रीमो सोचने लगे कि यदि हमें सवर्णों का कुछ फेवर मिल जाए तो हम भारत के पीएम बन सकते हैं और भी कुछ बन सकते हैं, तो इन्हीं सब बोर्ड में जो है ये दूरी बनाने लगे। तो इसी में बहुत दिनों से लोग चाहते थे कि कोई ऐसा आए सामने जो इस मुद्दे को बलिष्ठता पूर्वक पावरफुली उठाए, और ये काम जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। मौर्य ने जो ये बयान दिया सर, तो बड़ी उससे भी मैंने सोने पर सुहागा ये हुआ कि उनके बयान का अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से समर्थन किया, और सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, इन्होंने कहा कि हम मौर्य के बयान को समर्थन करते हैं, अर्थात 85-15 का जो मुद्दा है इसका हम समर्थन करते हैं, और साथ में हम ये वादा करते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो 3 महीने के अंदर हम जातीय जनगणना कराएंगे, और जनगणना के बाद से जो आंकड़े आएंगे, जो जो रिपोर्ट आएगी उसमें जिस समाज का जो संख्या अनुपात दिखाई पड़ेगा उस अनुपात में उसको तमाम क्षेत्रों में शेयर देने की देंगे हम। सर आपको बताऊं कि 11 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है सपा में और ये मुद्दा उठाते 85-15 का, उसके बाद से अखिलेश यादव जो है मुझे लगता है कि 13 जनवरी को जो है एक मीटिंग में पूरी शिद्दत के साथ वो समर्थन करते हुए उठाते हैं, और उसके कुछ दिन बाद फिर और एक मीटिंग में कहते हैं कि सत्ता में आने पर यहाँ पर लागू होगा, हर क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो 11 से लेकर 14-15 फरवरी के बीच में जो सर यूपी में जो माहौल बना, यहाँ के चुनाव में एक आश्चर्यजनक बदलाव आ गया। मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा सर, इस बार जो है भाजपा के तरफ से 80-20 का जो मुद्दा उठाया गया है ये एक यूनिक घटना है सर। मंडल के वास्ते
7 अगस्त 1990 को मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है और मंडल की रिपोर्ट के एगेंस्ट में ही जो है आडवाणी जी आपका सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा शुरू करते हैं। अर्थात जो है महीने भर के अंदर ही मैंने सितंबर 1990 से ही जो मंदिर आंदोलन शुरू होता है और उसी मंदिर आंदोलन के सहारे जो है आपका ये है भाजपा सत्ता में आती है, न सिर्फ सत्ता में आती है बल्कि अनचैलेंजिंग स्थिति भी उसकी हो जाती है। तो आप गौर करेंगे कि मंडल के बाद इसकी जो भी ग्रोथ है सर, उस ग्रोथ के पीछे बस यही था ध्रुवीकरण की राजनीति, मुस्लिम विद्वेष की राजनीति। एक तरफ हिंदू धर्म संस्कृति का जयगान करो और दूसरी तरफ जो है आपका मुस्लिम विद्वेष का प्रचार करो, इस एजेंडे पर वो काम करते रहे। लेकिन इस बार के चुनाव में सर मैं दंग रह गया कि इसके पहले भाजपा के तरफ से कभी भी इस तरीके से खुली घोषणा नहीं हुई। वो करते रहे उसी हिसाब से प्रचार करते रहे, लेकिन खुल के कभी उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव है, ये 80-20 का चुनाव है। लेकिन इस बार जो है करने के लिए मजबूर हुए, इसलिए कि यहाँ पर जो है जोगी के जो कुशासन है, उनके शासन में जो आतंक राज है उससे त्रस्त होकर के यूपी की जनता जो है एक बड़े बदलाव के मन बना चुकी थी और इस बात का जो है भाजपा नेतृत्व को हो गया था। सर जी आखिरी सवाल जमीन पर 20-80-20 दिख रहा है या 15-85 दिख रहा है, नंबर एक। नंबर दो, चुनाव त्रिकोणात्मक होगा कि आमने सामने होगा कि चार कोना में होगा, आपका असेसमेंट क्या कहता है? सर जरा इसी कड़ी को आगे मैं बढ़ाते हुए कह दूं कि जो 11 से 14 फरवरी के बीच में जो टेम्पो बना तो भाजपा जो है अचानक जो है बिल्कुल 80% उसकी जो संभावना थी वो गिर करके जो है बिल्कुल 50% पर आ गई। लेकिन उसके बाद से फिर जो है जो समाजवादी पार्टी है उसके तरफ से उस मुद्दे को, जो 85-15 का मुद्दा है, उस मुद्दे को उस शिद्दत के साथ नहीं उठाया जाता है जिस शिद्दत के साथ जो है भाजपा ने 80-20 का मुद्दा उठाया। तो ऐसे में जो ये गैप पूरा किया था उसने सपा की ओर से, वो फिर ये हो गया और भाजपा जो है फिर मुकाबले में आ गई। अब आज की तारीख में यदि भाजपा को मात देना है तो इनको जो है इस मुद्दे को बहुत ही शिद्दत के डबल ताकत के साथ उठाना पड़ेगा। जो उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो आपका जाति जनगणना करा करके संख्या अनुपात में लोगों को भागीदारी देंगे। अब अगर लड़ाई में बने रहना है तो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को जो है इस बात की खुल के घोषणा करनी पड़ेगी जो बहुजन बुद्धिजीवी पिछले 15-20 सालों से कह रहा है कि हम सत्ता में आएंगे और जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जो है विभिन्न सामाजिक समूहों को न सिर्फ निजी और सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में बल्कि मिलिट्री में, पुलिस में, सप्लाई में, डीलरशिप में, फिल्म टीवी सभी जगह संख्या अनुपात में बंटवारे की हम लड़ाई बंटवारे का काम करेंगे। इतनी बड़ी बात जब कहेंगे तब जाकर के टेम्पो बनेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत जो है ये एक तरीके से कहीं से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं सर, यहाँ पर क्या है कि ये मुकाबला तो वास्तव में जो है ये कई कोड़ी हो गया है। जनरली भाजपा के लिए तिकोड़ी मुकाबला ही जो है जीतने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन यहाँ जो है 3 से भी कहीं ज्यादा कोण बन चुके हैं। बावजूद उसके आप एक बात सर गौर करेंगे जो इसकी शुरुआत मैंने उत्तर प्रदेश से ही देखा। 2007 में जब यहाँ पर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उतरी थी तो उसके पक्ष में एक था माहौल, मायावती जी का जो सुशासन था लोगों के जेहन में था और सुशासन जो मायावती जी का लोगों को प्रभावित किया, तो ऐसी स्थिति में लगा कि बसपा जीत सकती है। लेकिन सर जब वो होता है चुनाव का जो रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है कि खुद मायावती जी भी विस्मित हो गई होगी जिस मात्रा में उनको वोट मिला। सपा जो है बसपा फुल मेजोरिटी के साथ आ जाती है, ये यूपी का 2007 का ट्रेंड है। 2012 में जो है जरूर माहौल दिखाई पड़ रहा था सपा के पक्ष में, लेकिन जो है उस बार भी जो है कई कोणी मुकाबला था। तो 2012 में लगा कि सपा जो है शायद किसी तरीके से मेजोरिटी के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आने लगा सर अंत में जो है सपा की सोच से बहुत ज्यादा सीटें आ गई। तो इस बार जो है एक बहुकोणी मुकाबला जरूर दिखाई पड़ रहा है सर, लेकिन जो है असल मुकाबला आपका जो है भाजपा और सपा के बीच है
और उत्तर प्रदेश के लोगों का हमने जो विवेक देखा चुनाव में, 2007 में जो एग्जाम्पल देखा, 2012 में जो देखा, 2017 में देखा, हमें लगता है कि अखिलेश यादव जो है समानुपातिक भागीदारी के मुद्दे को 80-85/15 के मुद्दे को यदि डबल जोश के साथ उठा दें तो ये फिजा बदल सकती है और सपा जो है जबरदस्त मेजोरिटी के साथ आ सकती है। इतना तय है सर, मेरा जो अपना कयास है कि जो भी पार्टी आएगी हंग असेंबली नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली का ट्रेंड खत्म हो चुका है। और कौन अंबेडकरनामा का असेसमेंट है कि अगर हंग असेंबली हुआ तो बहन जी बनेंगे मुख्यमंत्री, आपका क्या कहना है? यूपी का ट्रेंड देखा हूं सर पिछले 3 चुनाव में, मुझे नहीं लगता है कि वो सिचुएशन आएगा। यहां पर जो क्लियर जनता जो है किसी एक के हाथ में फुल मेजोरिटी देगी। और वही है कि अखिलेश यादव यदि अपने आप को फिर से नए सिरे से जो है समानुपातिक भागीदारी के मुद्दे पर केंद्रित कर दे तो बात शायद जो है 2017 की जो है जो जोगी सरकार है शायद वो बैक नहीं कर पाएगी। अगर सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने में पीछे रह गए तब तो जो है फिर शायद जोगी को जो हम लोग यूपी की सत्ता पर काबिज होते देख पाएंगे सर। थैंक सर। ये थे एचएल दुसाद साहब, बेबाक लिखते हैं और बेबाक बोलते हैं। पूरा वीडियो देखिए और पूरा शेयर करते रहिए और दुसाद साहब को हर घर जन जन तक बताइए। शुक्रिया दुसाद साहब, जय भीम, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। मिलता है जय भीम सर।